जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। नारे तकबीर भाई, जोर से लगाओ। पूरे हिंदुस्तान का रहनुमा, सियासत का, मुसलमानों का आर खा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, 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 देखो हैदराबाद से कौन आया, देखो हैदराबाद से कौन आया। यही मकसद के तहत हम काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे। खुदारा मेरे नौजवानों बुजुर्गों से कहूंगा कि आपने सबका साथ दिया, सबको ओढ़ दिया, हर गैर को दिया, एक मर्तबा इस अपने को भी देकर देखो। 70 वर्ष इन्होंने आपके वोट लेकर आपको हक नहीं दिया, आपने शिकवा नहीं किया। अरे आज हम गुनहगारों को भी एक मौका दे दी। अरे हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यही है कि हम किसी गांधी के सामने नहीं झुकते, किसी पवार के सामने नहीं झुकते, किसी मोदी फोदी से नहीं डरते। मोदी से क्यों झुके किसी गांधी के पास या पवार के पास? अरे हम तो झुकते हैं तो सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन के पास। और ये चाहते हैं कि हम इनके दरबार के गुलाम बन जाएं। अरे वो इंसान जो मोहम्मद मदीना का गुलाम है, वो इनका गुलाम कैसे बन सकता है? अरे हम तो अपने आखा के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं और आखा के गुलामों के जूतियां उठाने आए हैं। हम आपके जूतियों को अपने सर की रौनक बनाने आए हैं। हमको गवारा है अपने आखा के उम्मत की जूतियां, लेकिन हमको गवारा नहीं किसी गांधी या पवार के दरबार की गुलामी। ये मुल्क पर हमने जांबाजी व हुक्मरानी की, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत के निशानियां मौजूद हैं। इस मुल्क को हमने ताज दिया, कुतुब मीनार दिया, मक्का मस्जिद और जामा मस्जिद दी। इस मुल्क के वजीर आजम जहां पे हमारे तिरंगे को लहराते हैं, हमारे परचम को लहराते हैं,
वो लाल किले को भी बनाने वाले कोई और नहीं, हमारे ही आबा व अजदाद हैं, हम ही हैं। इस मुल्क के हकीकी वारिस हम हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और यहां पे हम किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़े रहेंगे। हम आंखों में आंखें डालकर अपने हक को हासिल करेंगे। मजलिस यही है और आज मैं आपसे यही कहूंगा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क कहां जा रहा है। 2.5 बरस में कहां चला गया मुल्क? 1 करोड़ नौकरियां देंगे बोले मिस्टर मोदी, क्या हुए? 15 लाख लाएंगे बोले, क्या आए? महंगाई कम होगी बोले, क्या हुई? 1 गर्दन के जवाब में 10 गर्दनें भेजेंगे बोले, क्या भेजे? 56 इंच का सीना बोले, अरे मिस्टर मोदी 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल होना जो हमारे पास है। पाकिस्तान हमारे बहादुर सिपाहियों की गर्दनें लाशें भेज रहा है और ये भारत माँ का सुपुत्र नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के गले मिल रहा है। क्या इसलिए ओढ़ दिया? आप बताइए, हर महाज पे नाकाम मुल्क को पैगाम दिए थे कि सबका साथ सबका विकास, किसी का भी साथ नहीं हुआ, सबका विनाश हो रहा है। सनत का विनाश, किसान का विनाश, रोजगार का विनाश, मुल्क का विनाश, मईशत का विनाश, हर एक का विनाश ही विनाश है जब से यह चाय वाला आया है। कल का चाय वाला आज का वजीर आजम, इस वास्ते बोलते भाई देख समझ के ओढ़ देना। कैसे 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 हो गए, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे हो गए। यही है, किसी ने क्या खूब कहा, लोग बोलते हैं ना, आपको मालूम एक बादशाह था फकीर हो जाता और एक फकीर बादशाह हो जाता। बादशाह फकीर हो गया लेकिन फकीरी में भी बादशाहत नजर आती है और एक फकीर बादशाह हो गया तो बादशाहत में भी फकीरी नजर आती है। यही है, आज मुल्क को कहां लेके चले गए? नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? बीजेपी का फायदा हुआ, बीजेपी वालों का हुआ, और किसका हुआ? गरीब लाइन, अमीरों की नींद हराम हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हिंदुस्तान आए तो रोने लग रहे। अजीब है, अजीब है, बताइए ब्लैक मनी कहां है, झूठे नोट कहां है, दहशतगर्दी का खात्मा बोले नोटबंदी से, नागौड़ा में अटैक हुआ, उड़ी में अटैक हुआ, कहां से खत्म हुआ? कैशलेस, कैशलेस। हां बेशक हिंदुस्तान कैशलेस ही हो गया। आप बताइए, साइबर लॉ नहीं, साइबर क्राइम के एक्ट नहीं हमारे पास और कैशलेस की बात करने लगे। किसका? पेटीएम का, पेटीएम का फायदा। आप बताइए, सिर्फ धोखा 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 झूठ। मैं तो कहूंगा कि 70 बरस की हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम नाहिल बेकार वजीर आजम का नाम को ये तो नरेंद्र मोदी। हम तो वोट नहीं दिए, नहीं दिए ना, कभी भी नहीं दे सकते। हम बाबरी मस्जिद के खातिलों को वोट कभी नहीं दे सकते, हम एहसान जाफरी के खातिलों को वोट नहीं दे सकते, हम इशरत जहां के खातिलों को वोट नहीं दे सकते, हम नरोडा पाटिया के खातिलों को वोट नहीं दे सकते।
हम हमारी इज्जतों को इस्मतों को लूटने वाले लुटेरों को कभी और नहीं दे सकते। लेकिन देने वालों, तुम्हें क्या दिया इस चाय वाले ने? मैं यही पूछना चाह रहा हूं। अरे भारत माँ बोलते हैं, भारत माँ का सिपाही सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहा है और भारत सरकार उन सिपाहियों को कितना गंदा खाना दे रही है आप देखें ना। अरे मुसलमान भूखा है, मुसलमान प्यासा है, मुसलमान गरीब है, लेकिन ए नरेंद्र मोदी अगर तेरे पास तेरी सरकार के पास पैसा नहीं है तो बोल दे हम मुसलमान एक वक्त के लिए अपने पेट को काट लेंगे और अपने पैसे अपनी रोटी अपने सिपाहियों को दे देंगे। दे देंगे ना सिपाहियों को। सुन ले मोदी, सुन ठाकरे, कौन है देशभक्त? हम आए, देशद्रोह तुम हो। मजलिस यही बात बेबाकी से कहती है। आप बताओ कि जब याकूब मेमन की फांसी का वक्त आया, हिंदुस्तान सन्नाटे में था, सबसे पहले किसने आवाज बुलंद की? असदुद्दीन ओवैसी ने बुलंद की, मजलिस ने की। अरे यही है मजलिस। कांग्रेसी एनसीपी वालों, तुम कुछ मत करो, अकबर ओवैसी के जैसी 15 मिनट की तहरीर करो, बस हम वापस चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। अरे आज हमने बताया हिंदुस्तान को कि मुसलमानों के पास भी हलक है और उस हलक में जबान है, अगर तुम बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। मजलिस यही है। अरे आज कहां है बताइए? सिर्फ दिखावा, सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ इख्तदार के लिए बड़ी फिक्र है। तलाक है सलासा, हमारी औरतों की फिक्र है बीजेपी को, मोदी को, हमारी बच्चियों की ट्रिपल तल्ला। अरे बाबा मिस्टर मोदी, हमारे बच्चियों के हक का छोड़ पहले अपने बीवी को हक दे दे। कहाँ है तुम्हारी बीवी, किधर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम अपने घर में बीवी को नहीं लाते, पूरी दुनिया फिरे बीवी दिखी नहीं। नोटबंदी हुई तो दिखावे के लिए बूढ़ी मां को हतार में लाके खड़ा कर दिया ये नरेंद्र मोदी। अगर मेरी मां होती तो मैं कहता मां आप घर में बैठिए, हतार में मैं खड़ा रहूंगा, आपको पैसे मैं ला कर दूंगा। हिंदू हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू तहजीब, हिंदू अखलाक, हिंदुइज्म, सनातन धर्म की इतनी बात करने वाले नरेंद्र मोदी, अगर तू वाकई में सच्चा हिंदू है तो मैं कहूंगा कि श्रवण कुमार की तरह अपनी मां को खांदे पे बिठा के बैंक को ले जाना था। आज सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम, कभी स्वच्छ भारत कभी गंगा को साफ करने निकले। अरे हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, सुथरा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है जिसको साफ करना है तो वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या शिवसेना है। पहले इस गंदगी को साफ करो। आज सिर्फ बातें, अखलाक को क्यों मारा? बीफ है। जाहिद नुमान को क्यों मारा? बीफ। गोबर क्यों खिलाया? बीफ। हरियाणा में दो बच्चियों की इस्मत लूटी क्यों? बीफ। उनका खतर कर दिया क्यों? बीफ। मुसलमान बच्चों को नंगा करके मारा गया क्यों? बीफ। मिस्टर मोदी, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं। मोदी, आप बोलेंगे अकबर साहब और मोदी को मुबारक, हां मैं दे रहा हूं। क्यों? इसलिए
कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर वन मुल्क बन गया। किसके लिए? बीफ एक्सपोर्ट के लिए। 28 लाख टन लास्ट ईयर गया, 20 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ ये साल। मोदी सरकार के आने से लेकर अब तक 70,000 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्ट से इंडिया को आया। अब मैं पूछना चाहता हूं गौ रक्षकों, हमको गोबर खिलाए थे ना, अब गोबर किसको खिलाओगे? अब किसको मारोगे? किसको? किसको? गोबर किसको खिलाएंगे? वाह, सलाम। मान को क्यों मारा? बीफ। गोबर क्यों खिलाया? बीफ। हरियाणा में दो बच्चियों की इज्जत लूटी, क्यों? बीफ। उनका खतर कर दिया, क्यों? बीफ। मुसलमान बच्चों को नंगा करके मारा गया, क्यों? बीफ। मिस्टर मोदी, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं। मोदी, आप बोलेंगे अकबर साहब और मोदी को मुबारक, हां मैं दे रहा हूं, क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर वन मुल्क बन गया। किसके लिए? बीफ एक्सपोर्ट के लिए। 28 लाख टन लास्ट ईयर गया, 20 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ ये साल। मोदी सरकार के आने से लेकर अब तक 70,000 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्ट से इंडिया को आया। अब मैं पूछना चाहता हूं गौ रक्षकों, हमको गोबर खिलाए थे ना, अब गोबर किसको खिलाओगे? अब किसको मारोगे? किसको? किसको? गोबर किसको खिलाएंगे? वाह, सलाम। पूरा मुंबई फिरा लेकिन सीढ़ी जैसा जोश नहीं देखा। सलाम। इंशाअल्लाह ताला ये जोश जरूर ये सेना को, ये बीजेपी को झुकाएगा। बड़े बड़े बातें, बाल ठाकरे ऐसे, बाल ठाकरे वैसे, अरे भाई कुछ नहीं है, बोलने वाले नहीं थे तो इस वास्ते ये हीरो बने। अब बोलो, हम जवाब देते हैं। शिवसेना का तो क्या हाल हो गया है? शिवसेना ये ठाकरे खानदान, ये माथुश्री तो नरेंद्र मोदी के दरबार में गिरवी रखे हुए गुलामों का नाम हो गया। आज सिर्फ बड़े बड़े शेर बोलते हैं, कहां के शेर, किधर के शेर, सर्कस का शेर तो भी अच्छा है इनके सामने। अरे आज आप देखिए, कांग्रेस शिवसेना से मिल रही है। रायगढ़ में जिला परिषद के इंतखाबात हैं। आपको मालूम कौन कौन वहां पे मिलके लड़ रहे हैं? मालूम आपको? मेरे भाई, कांग्रेस शिवसेना दोनों मिलकर रायगढ़ में जिला परिषद के इंतखाबात लड़ रहे हैं। पोस्टर पे एक तरफ सोनिया गांधी है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। वाह, देखे मजलिस की ताकत, देख लिए अकबर ओवैसी की ताकत, देखे कि महाराष्ट्र में खदम रखे गांधी ठाकरे बन रहा है, ठाकरे गांधी बन रहा है। यही है। और बीजेपी से करीब कौन? एनसीपी जा रहे हैं, पवार साहब जा रहे हैं। अरे ये सेक्युलर है,
पवार साहब को पद्म विभूषण मिल गया, हम तैयार है, सेना हट गई, पवार पवार के लिए फडणवीस के हाथ से हाथ मिला लेगा, महाराष्ट्र सरकार को गिरने से बचा लेगा, मालूम हमको। फिर हमसे पूछते हैं सेक्युलर है क्या, सेक्युलर है क्या, अरे हम सेक्युलर हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अमंगलस मजहब की सियासत नहीं करते, लेकिन मजहब की वजह से हमको तालीम से, हमको बुनियादी सहूलतों से, हमको रोजगार से, मजहब के नाम पे जो हमको 70 बरस से लूटा गया, काटा गया, वो इम्तियाज के ऊपर आवाज उठाने के लिए हम आए हैं। क्या गुनाह है? अरे आज हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक को हासिल करेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद के साथ जमात से वाबस्ता हो जाओ। मजलिस आपकी ताकत, अगर मैं अकेला खड़ा रह जाऊं तो मेरी क्या हैसियत मेरे भाई, अगर आप अकेले खड़े रह जाएं तो आपकी भी कोई ताकत नहीं। मेरी ताकत आपसे है, आपकी ताकत इत्तेहाद से। अगर आपका मुझे साथ नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। लोग बोलते हैं अकबर ओवैसी बेहतरीन तकरीर करता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, अरे क्यों बोलता है? इस वास्ते बोलता है कि मेरे भाइयों के इत्तेहाद की दौलत अकबर ओवैसी के साथ है, इनके हाथों की दुआ मेरे साथ। खुदारा मुनज्जम रहिए, मुत्तहिद रहिए। खैर अभी बहुत सी बातें हैं और एक जलसा है, कुरला को जाना है। इंशाल्लाह जब जीतेंगे सेवड़ी से तो वादा है आपके गलियों में मोहतरमा के साथ फिरूंगा, आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा, खटका मारूंगा और हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अब इजाजत दीजिए, कुरला जाना है, 10 बजे से पहले पहुंचना है, मगर एक जोरदार नारा लगाना, लगाएंगे ना? बहुत दर्द है, बहुत शिकवा है, बहुत शिकायत है, लेकिन फिर भी ऐ मेरे हिंदुस्तान, हमको तुझ पे नाज है, तुझसे मोहब्बत है। हिंदुस्तान, 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 नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अल्लाह हम सबको कामयाबी और कामरानी अता